भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है और मैं आदित्य पंडित। आज मैं आप लोगों को जेम के पोर्टल में L1 परचेज कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। L1 परचेज एक डायरेक्ट परचेज का ही एक पार्ट है। बेसिकली जब हम डायरेक्ट परचेज मतलब बोलते हैं कि 25,000 25,000 या 25,000 से बिलो का कोई भी आइटम को हम डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आती है कि डायरेक्ट ये डायरेक्ट परचेज हो जाता है। डायरेक्ट परचेज में मतलब विदाउट एनी कंपैरिजन आप डायरेक्टली किसी को ऑर्डर दे सकते हो। L1 परचेज 5 लाख से बिलो होता है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट परचेज का ही पार्ट है बट आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ता है। मिनिमम 3 बिडर लेके 3 लोगों का एक कंपेयर करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे कोई सा भी और उस प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग एक कंपेयर शीट्स बनाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे L1 परचेज कैसे होता है। जनरली सबसे ज्यादा इस पर क्वेरी जो आती है वो बोलते हैं कि हमारा खुद का प्रोडक्ट है और मार्केट में ज्यादा रेट पे है कंपेयर टू द अदर्स, तो हमको उस पर L1 करना है। उसके लिए भी प्रोसेस हम यहाँ पे बताएंगे। देखिए सबसे पहला हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर। मान लीजिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से मेरे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे आपको आ जाएगा। ये हमारा एक बायर का पोर्टल है, आप यहाँ पे देख सकते ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आ गया। आपको यहाँ पे बेस्ट मैच में लो टू हाई, हाई टू लो सब तरह का ऑप्शन मिलेगा। बेस्ट मैच में बेस्ट मैच मिलेगा, लो टू हाई कर सकते हो, हाई टू लो कर सकते हो और लेटेस्ट एंड टॉप लेटेस्ट वाइज आप कर सकते हो। हम यहाँ पे लो टू हाई पे क्लिक कर सकते हैं, जो सबसे लो है उसको हाई पे रखो। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पे बीड, यदि आपको बीड करना है तो यहाँ सिलेक्शन करना है। PSE मतलब डायरेक्ट परचेज, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आते हैं। ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट 25,000 से अबव चला जाएगा उसको हमको डायरेक्टली वो बोलेगा कंपेयर करो और L1 परचेज में करो। तो यहाँ पे सबसे पहला आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। इससे पहले सिलेक्ट कंसाइनिंग करो, कितना प्रोडक्ट चाहिए। मुझे 100 प्रोडक्ट्स चाहिए और कौन से एड्रेस पे चाहिए, महाराष्ट्र, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, आपके पास अलग अलग आ सकते हैं। मैं यहाँ पे चूज करता हूँ और इसको सर्च में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जो महाराष्ट्र पे डिलीवरी करने वाले 100 क्वांटिटी जो लोग डिलीवरी करने वाले उनका ही नाम यहाँ पे टोटल डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कंपेयर का भी आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे जो जेम बता रहा है वो L1 बता रहा है कौन 12,000 का। तो आप यहाँ पे कंपेयर के लिए बेसिक जो लेवल पे कंपेयर करते हैं हम उसके बारे में पहले बताते कंपेयर। देखिए यहाँ पे कंपेयर के लिए आ गया और भी आपको 2 प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। तो सबसे याद जो जरूरी बात है वो क्या है, ब्रांड और जो बाय सेलर है वो सेम नहीं होना चाहिए। ये ब्रांड ई मुद्रा है तो हमको अभी दूसरा ब्रांड लेना पड़ेगा। अभी सिर्फ ई मुद्रा नहीं चलेगा। तो जैसे कि यह कार्टो डिजिटल है हम इसको ले सकते हैं कंपेयर करने के लिए, ले लिया। दूसरा है, तीसरा ग्लोबल साइन है, हम इसको को देखते हैं। यदि सेम कांट बी कंपेयर टू सेम सेलर और सेम OEM, ये ब्रांड तो दूसरा है, ब्रांड ग्लोबल साइन है बट हो सकता है कि सेलर सेम है इसके वजह से ये नहीं ले रहा है। तो ई मुद्रा ये तो लेगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी ई मुद्रा और हम लोगों ने कार्टो डिजिटल ले लिया है तो ई मुद्रा का हम लेंगे ही नहीं। यहाँ पे ई एंड ट्रस्ट हम इसको ले सकते हैं। तो देखिए ये भी नहीं ले रहा है क्योंकि हो सकता है कि सेम है। कैप्रिकॉन इसको ले सकते हैं, ये भी सेम होगा, ये सेम कम ब्रांड नहीं है पर सेम सेलर हो सकता है इसके वजह से ये नहीं ले रहा है। ग्लोबल साइन ये तो हम ले ही नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ। ये मुद्रा ये तो हो नहीं ले सकते क्योंकि ये मुद्रा का ऑलरेडी हमने ले लिया है। ग्लोबल साइन भी नहीं ले सकते, ऑलरेडी हमने ले लिया है, यहाँ पे ये आएगा नहीं। हम आगे चलते हैं और थोड़ा। ये मुद्रा है, ये एक हमारा है डीजी कार्ड, इसको देखते हैं। यदि सेम बायर नहीं है और ऑलरेडी ये दोनों में से कोई एक बायर ये दे रहा है इसकी वजह से, ये सॉरी सेलर दे रहा है इसलिए ये नहीं ले रहा है। ये देखते हैं, नहीं ये भी नहीं ले रहा है। ग्लोबल साइन नहीं हो सकता यहाँ पे, ये देख ये भी नहीं हो रहा है, सेम है इसके वजह से ये नहीं ले रहा है।
देखिए यहाँ पे कैप्रिकॉन कंपनी का है, ये हम ले सकते हैं, इसको देखते हैं। हाँ, ये हमारा ले लिया। इसको जैसे लेंगे स्टार्ट कंपेरिजन पे क्लिक कीजिए, तो देखिए ऑटोमेटिकली कंपेरिजन कर दिया। ये L1 कौन है आपका, ये 12,000 वाला है। आप इसको एड टू कार्ट पे क्लिक कर सकते हैं, जो एड टू कार्ट आप डायरेक्ट, या फिर ये वाला को भी आप एड टू कार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे L1 में आता है। इसको एड टू कार्ट कर दीजिए, डायरेक्ट परचेज और बीड आ रहा है, जो बीड में करना है तो बीड में क्लिक कीजिए। अपने को अभी डायरेक्ट परचेज में डालना है तो डायरेक्ट परचेज, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट परचेज। कंपेरिजन सीट यदि आप देखेंगे, यहाँ से कंपेरिजन सीट आपको खुल जाएगा, जो कंपेयर सीट ऑटोमेटिकली ये अटैच होता है। आप इसको किसी को भी भेज सकते हैं या इसका प्रिंट आउट भी यहाँ से ले सकते हैं 100 क्वांटिटी के लिए। तो मैं इसको डायरेक्ट परचेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कंफर्म करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट परचेज, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये मेरा डायरेक्ट परचेज के लिए ऑर्डर के लिए प्लेस हो जाएगा जिनको देना है। पेमेंट का मेथड पूछ रहा है, अलग अलग तरीके से पेमेंट कैसे करेंगे आपका पेमेंट का, यदि हमारे पास पेमेंट अपडेट नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर सकता हूँ। कैसा पेमेंट अथॉरिटी रहेगा, डिजिग्नेशन फॉर ऑफिशियल कौन रहेगा, BDO डाल देता हूँ, या फिर ग्राम सेवक। फाइनेंस के लिए कौन रहेगा, ग्राम सेवक। GST बायर के रहे पास रहेगा या कंसाइनी के पास, आप दोनों में चूज कर सकते हैं, कंसाइनी या बायर, आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर दीजिए। अथॉरिटी रहेगा हेड ऑफ द, नो कोई हम मुझे नहीं है। और एक फाइनेंस अप्रूवल के लिए जो लगता है PSC का सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। इसके लिए एक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट जो आपको लगता है, वो आप जो अप्रूवल लेते हैं इस प्रोडक्ट के लिए, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है और आगे आप कंटिन्यू करेंगे। ये आपका जनरल कॉन्ट्रैक्ट आ गया, आप इसको एक्सेप्ट एंड सेव कर दीजिए। ये आपका आ गया फाइनेंशियल सर्टिफिकेट और सेंसन लेटर, ये दोनों आपको यहाँ पे मिल गया। इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे OTP जाएगा। जैसे OTP को डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, ये आपका वेरीफाई होगा और ऑर्डर उनको प्लेस हो जाएगा जिसको हमने दिया। यदि आपको लग रहा है कि आपका ही प्रोडक्ट को आपको L1 करना है, जैसे कि आपका खुद का प्रोडक्ट है, और जो अभी ये जो प्रोडक्ट था ये बहुत ही कम रेट में था, देखा जाए तो ये 1200 का था, 12,000 का था, मतलब 100 क्वांटिटी के लिए, मतलब 120 रुपीज को एक प्रोडक्ट था। पर आपको लगता है नहीं, मुझे जो है ज्यादा का प्रोडक्ट का चाहिए, 120 की जगह पे मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मेरा 500 का है या 700 का है और उसको ही मुझे L1 करके लाना है, तो आप हमारे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, आप हमें वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक ऐसे L1 करके हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, या फिर हम आप हमारे पास से ट्रेनिंग कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हम आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए भी आप नीचे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम इसी तरह के जेम्स के, ई टेंडर्स के, और भी जो भी गवर्नमेंट के रिटर्न है, GST, PT, PTR, PF, ESC, SOP Act वगैरह के सभी, MSME, उद्योग आधार, ये सब के वीडियो आपके सामने अपडेट करते रहते हैं। इंक्लूडिंग हम आगे सिविल इंजीनियरिंग की वीडियो भी आपके सामने अपडेट करेंगे, जैसे कि AutoCAD, स्टैट प्रो, ये सब की वीडियो हम आगे यहाँ इस चैनल पे लाते रहेंगे। थैंक यू।